अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहां अपने सभी योग प्रेमी भाइयों बहनों के साथ योग करने का सौभाग्य मिला। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान यूएनओ के जनरल असेंबली में किया था और विभिन्न देशों ने इसका समर्थन किया और 10 साल ये 10वां साल है जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योग की विधा जो हमारे देश तक सीमित थी आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और सभी लोग इसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। मैं आज के दिन आप सब लोगों से यह आह्वान करूंगा कि अपने दैनंदिन जीवन में योग के अभ्यास को अपना जीवन का भाग बनाएं और दैनंदिन जीवन में इसको जोड़ें ताकि आप स्वस्थ रहें और जिसे हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर कहते हैं, यानी स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, रक्षा करना और सुरक्षित रहते हुए स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना, स्वस्थ रहना, इसको हमको योग के जीवन शैली से समझ में आता है। और ये योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का योग है, जोड़ है और इसलिए हमारा जहाँ शरीर भी उत्तम रहता है वही शरीर के साथ साथ हमारी आंतरिक शक्ति भी जागृत होती है और वह एक तरीके से हमें एक वृहत रूप में अपने कार्य में सुविधा प्रदान करती है। और इसलिए मैं सब लोगों से आह्वान करूंगा कि आप सब लोग योग के साथ जुड़े और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये योग दुनिया की विधा बनी है उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान करें, ऐसी आशा करता हूँ।